हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज यूपीपीसीएस 2019 का प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर। इसे सॉल्व करेंगे और इसे देखेंगे हम। तो आपको बता दें कि हम लोगों ने 2012 से लेकर 2018 तक के प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। उन्हें आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट सूची में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से एक सूची बनी हुई है, उसी में पड़े हुए हैं। इसमें आपका सिलेबस भी मिल जाएगा प्री मेंस का, ठीक है पूरा। और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के प्रारंभिक परीक्षा के जो पेपर थे वो सॉल्व हैं और व्याख्या के साथ, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं इसे। इसमें बात करेंगे हम लोग 2019 के बारे में। तो याद रखना ये डी सेट है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंधन निदेशक हैं कौन है? तो आपको याद रखना क्रिस्टालिना जॉर्जिया, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है, याद रखना ध्रुव, जी सी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, सूची एक को सूची दो, ठीक है। तो इसमें होगा हमारा डी ऑप्शन, थॉमस कुक। ये ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी है। ग्रेटा थनबर्ग, ये पर्यावरण कार्यकर्ता है। डॉक्टर उषा किरण, ये हैं उषा किरण, उन्होंने भारत भारती सम्मान विजेता। कैरी लैम, ये हांगकांग के नेता हैं, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आपको याद रखना है, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, एलिनार ओस्टोम। पांचवा क्वेश्चन, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? तो याद रखना यह है 2019 से 2029 तक, बी ऑप्शन सही है पांच का, ठीक है। छठवा, भारत भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आपको पता होगा मैसूर में है, बी ऑप्शन सही है। फिर है सातवां क्वेश्चन, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखना 2030 तक, बी ऑप्शन सही है, ठीक। फिर बात करते हैं आठवां क्वेश्चन, चंद्रयान टू अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सैनको नस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता होगा आठ में ये होगा GSLV MK3M1, ठीक है, याद रखना। नौवां क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना इसमें सी ऑप्शन सही होगा। इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ है, इस यह उपयोग के लिए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है, ठीक, याद रखना। नौ ऑप्शन का सी है, नौ का सी है, ठीक है। दस, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो याद रखना है तिल चट्टा का। 11 क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करता है? तो याद रखना दालें। 12 क्वेश्चन, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो याद रखना ये ऑप्शन सही है, त्रिज्या बढ़ जाती है, 12 का ए। 13, निम्नांकित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना इसमें डी, प्रियॉन रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है, नियोपिन विशिष्ट रबड़ है, डी ऑप्शन है इसमें, ठीक। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखना कपास, ठीक है, केजवाल, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क, खुर, ये सभी प्रोटीन है, कपास नहीं है, 14 का ए। 15, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक गर्म तरल गर्म तथा या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती, तो याद रखना 15 का सी होगा।
ए और बी दोनों, संचालन, संवहन एवं विकिरण। बात करते हैं 16 क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? तो याद रखना 16 का सी होगा, अग्नाशय। 17, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो याद रखना जिप्सम में, 17 का सी है। 18, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, पदार्थ है वही उपयोग, ठीक। तो 18 का होगा ए, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं है, सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा होती है, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, दुधिया मैग्नीशियम पित्ती अम्ल, ठीक है, ए ऑप्शन है 18 का। 19, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है? तो याद रखना 19 का होगा सी, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड, ठीक है, फ्लेवोनाइड सी ऑप्शन है 19 का। 20, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो याद रखना सी ऑप्शन सही है, उत्पादक प्राथमिकता उपभोक्ता से अधिक है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ठीक, 20 ऑप्शन 20 का है सी। 21, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 21 का होगा सी, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, सी ऑप्शन सही है 21 का। 22, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? तो याद रखना एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, बी ऑप्शन सही है, 22 का भी है। 23, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें याद रखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, गलत है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, सही है, विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, सही है, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है, सही है, याद रखना 23 का ए होगा। 24, 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो याद रखना लाइकेंस, ये ऑप्शन है 24 का। 25, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना इसमें डी ऑप्शन होगा, पास्तुकरण चाय, अलवणीकरण समुद्री जल, विलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, डी ऑप्शन होगा पास्तुकरण चाय, ठीक है। 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो याद रखना 26 ए ऑप्शन, सोडियम क्लोरेट, 26 का ए। 27, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? तो याद रखना 27 का होगा डी, मैथेन, 26 का ए है, 27 का डी है। 28, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो याद रखना 28 का होगा सी, गुरुग्राम, ठीक है, 28 का सी। 29, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखना आपको 29 का है दीव। 39, 30, निम्न दो कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर माना गया, ठीक है, तो याद रखना इसमें ए ऑप्शन सही होगा। मानव विकास सूचकांक SDI एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है, SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है, ए बी दोनों सही है, आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। फिर 31, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो याद रखना इसमें होगा हमारा डी ऑप्शन, ए बी मतलब तीनों सही होंगे, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। 32, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है, तो याद रखना 32 का होगा अपना बी, पहले वन्य जीव अधिनियम, फिर होगा प्रोजेक्ट टाइगर, फिर होगा प्रोजेक्ट हाथी, फिर होगा जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, बी ऑप्शन है 32 का। 33, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो याद रखना 33 का होगा बी, 21 दिन, 33 का बी। 34,
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में सम्मिलित नहीं करता है, तो याद रखना 34 का होगा सी, HIV परीक्षण। ठीक है, 35 पर्यावरण, कुछ नेट्स वक्त पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, तो याद रखना इसमें होगा उल्टा यू आकार का। ठीक, 45 सॉरी 35 का होगा ए। 36, नीचे दिए गए दो कथन दिए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण बी कहा गया। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो याद रखना इसमें ए ऑप्शन सही हुआ, ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 37, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को ग्रीन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है, तो याद रखना बी ऑप्शन पहल। ठीक है, 37 का पहल। ठीक है, 38, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो याद रखना इसमें सी ऑप्शन से सही होगा, 1, 2, 3 सही। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। 18 वर्ष आयु से अधिक की सभी बड़ी महिला परिवारों की मुखिया होंगी। बात करते हैं 39, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो याद रखना 39 का होगा अपना बी, तीनों सही। लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। 40, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो याद रखना इसका होगा सी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4 सही हो। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्र और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। ठीक है, सी ऑप्शन है 40 का। 41, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बनने वाली झीलों का सही क्रम है, तो याद रखना 41 का होगा अपना डी, लेक मंजला, लेक टेम्सा, ग्रेट पीटर लेक और लिटिल पीटर लेक। ठीक है, 41 का कौन सा है, सॉरी 41 का आंसर डी है। ठीक है, 40 का सी था, 43 का डी है। 42, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक कटक का, ए ऑप्शन सही, उत्तरी अटलांटिक कटक का। ठीक है, 42 का ए, 42 का ए। 43, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इसमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विभिन्न नाम दिए गए और देश। ठीक है, तो इसमें 43 में होगा डी अपना, वेली विलेज ये है ऑस्ट्रेलिया, टेफू ये होगा जापान, बगोइयो ये होगा फिलीपींस, और हरिकेन्स ये होगा यूएसए। ठीक है, डी ऑप्शन है 43 का। 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियाई रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, तो याद रखना 44 का होगा सी, सोची। 45, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, ये भवन हो गई और ये देश हो गए। ठीक है, तो इसमें 45 में होगा अपना डी, मिस्टल ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है, सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान। 45 का डी है। 46, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कोयला होगा जी, क्षेत्र और अवस्थिति हो गई, तो 46 का होगा हमारा ए ऑप्शन, तालचीर ये महानदी घाटी, कड़परा ये होगा दामोदर नदी घाटी, सिंगरौली ये होगा सोन घाटी, सिंगरेनी ये होगा गोदावरी घाटी, ए ऑप्शन है 46 का। ठीक है, फिर है 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, 47 का होगा ए, गुरला मंदाता। ठीक है, 48, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है,
याद रखना, तो 48 का होगा बी ऑप्शन, पश्चिम से पूर्व की ओर, 48 का बी। ठीक है, 49, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो याद रखना बी ऑप्शन सही होगा, लूनी नदी। ठीक है, 49 का भी। 50, मौरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का विभाग है? तो याद रखना 50 का होगा सी, बंगाल डेल्टा। 50 का सी है। 51, नीचे दिए गए दो कथन, कथन ए और कारण आर, उत्तर प्रदेश में गन्ना एवं गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण आर, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। तो याद रखना 51 का होगा अपना बी, ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। 51 का बी है। ठीक है, 52, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, याद रखना डी ऑप्शन, जरीब एक प्रकार का कर के दाम, ताम की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांत राजस्व का प्रमुख। ठीक है, 52 का डी है। 53, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो इसमें होगा 53 का बी, मुल्ला दाऊद, चंदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो, आशिका। ठीक है, 53 का बी है। 54, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो याद रखना 54 का होगा ए, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। ठीक है, बात करते हैं 55 क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, सूची एक सूची दो राजवंश और ये राजधानी, याद रखना 55 का होगा बी, 55 बी क्या होगा, पल्लव, कांची, कांची पांडव, मदुरा यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। ठीक है, 55 का बी होगा। 56, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, निम्नलिखित स्मारकों के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए पुट को सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 56 का होगा अपना बी ऑप्शन, अटाला मस्जिद जौनपुर, फिर होगा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, फिर होगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और फिर होगा रबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद। ठीक है, 56 का होगा बी। 57, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 57 का ए ऑप्शन सही होगा, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, मनसबदारी का भाग पितृक था, नहीं ये गलत है, ए ऑप्शन सही है केवल। ठीक है, 57 का ए है, याद रखना। 58, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 58 का सी होगा, सॉरी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि ये हुई 1765, मंगलोर की संधि ये हुई थी अपनी 1784, सालबाई की संधि ये हुई थी 1782, मद्रास की संधि 1769। ठीक, 58 का सी है। 59, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो याद रखना 59 सी होगा, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद होगा गांधी इरविन समझौता, फिर होगा पूना पैक्ट, फिर होगा किप्स मिशन। ठीक, 59 का सी होगा। 60, असैनिक प्रशासन 1905 में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 60 का भी है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, पूर्व बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। ठीक है, 60 का बी है, 60 का बी है। 61, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया? तो याद रखना 61 का होगा अपना बी, राजगोपालाचारी। ठीक है, 62, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक हैं विपिन चंद्र।
62 का बी बिपिन चंद। ठीक है, बात करते हैं 63। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो याद रखना 63 का होगा सी ऑप्शन। ए बी केवल राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में, केवल मूल कर्तव्यों। ठीक, सी ऑप्शन है 63। 64, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? सही है, तो याद रखिए 64 का होगा डी ऑप्शन, केवल 3। पंचायती प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, गलत है। ग्राम सभा एक निकाय जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, ये भी गलत है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, ये सही है। 64 का, 64 का डी है। 65, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखना RTI अधिनियम। ठीक है, बात करते हैं 66। 65 का होगा बी 66। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना 66 का होगा सी ऑप्शन, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, सी ऑप्शन सही। 61, सड़सठ, 66 का क्या है याद रखना, 66 का सी है, 66 का सी। 67, किसने कहा था भारत की अर्ध संघात्मक राज्य? तो याद रखना 67 का होगा डी, केसी बीयर ने। 68, निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है, तो याद रखना 68 का होगा सी। पहले एक, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान जम्मू कश्मीर के प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत के विलय को अनुमोदित किया, जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। ठीक है, 68 का सी है, 68 का सी है। 69, कथन आर, कथन ए और कारण आर, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अन्य अधिकारिता है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो याद रखना 69 का होगा अपना, 69 का क्या होगा, 69 का होगा ए, 69 का ए होगा, 69 का ए होगा, ए तथा आर दोनों सही है, आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, फिर 70 क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना 70 का डी ऑप्शन होगा, 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल। अब है हमारा 71वां क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो याद रखना 71 का होगा डी, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A। ठीक है, 71 का डी है। 72, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो याद रखना 72 का होगा बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है, 72 का बी। 73, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के शीर्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो याद रखिए इसमें होगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, फिर है 74, 73 का है डी, 74, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखना 74 का एक होगा, मार्कंडेय। 75, ये तूफान हरिकेन है अगस्त सितंबर 2019 के, इस सर्वाधिक प्रभावित देश हैं इससे, तो याद रखिए 75 का होगा हमारा बी, डोरियन इससे बहामास। ठीक है, फिर हेजीबीज इससे होगा जापान, लेकिमा चीन, मेटाग जेजू दक्षिण कोरिया। ठीक है, 75 का बी है। 76, अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है? याद रखना 76 का डी, सेरा लियोन, 76 डी। 77, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में
निम्न में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो याद रखना ये होगा कर्नाटक, 77 का कर्नाटक। ठीक, डी ऑप्शन है 77 में, छिहत्तर में डी है, 77 में डी है। ठीक, 78 भारतीय, 78 बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमन अदर के लेखक कौन है, लेखिका कौन है? तो याद रखना बर्नाडीन इवारिस्तो। ठीक है, डी ऑप्शन सही है 78। 79 विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसे हराया है? तो याद रखना नोजोमी ओकुहारा, सी ऑप्शन सही है 79 का। 80 भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना इसका होगा 80 का डी, मांग देछु विद्युत परियोजना। 81 चित्रा दत्ताचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? याद रखना 81, 81 का होगा बांस कला, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो याद रखना सी ऑप्शन सिक्किम भारत। 83 पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना गोला फेंक। ठीक है, सी ऑप्शन सही है 83 का। 84 संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में हुआ है? तो याद रखना ये हुआ है न्यूयॉर्क, डी ऑप्शन सही है 84 का डी। 85 85 मानव आहार में पालश किए गए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है? तो याद रखिए 85 में ये बेरी बेरी। ठीक, 85 का ये। 86 निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? विटामिन हो गए और एक पिचल स्रोत हो गए, तो याद रखिए 86 का बी होगा, विटामिन B2 कोड यकृत के, ये गलत है। विटामिन बी सिर्फ धान की चोकर, ये भी सही है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फाल्फा। ठीक, 86 का होगा बी। 87 सूची इसमें कथन है, ए दिया गया कारण आर, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, कारण आर है, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक पोषकों का ही संश्लेषण करता है। तो याद रखिए 87 में होगा सी, ये ऑप्शन सही है किंतु आर गलत है। ठीक, 88 सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा 88 में बी, केवलार संश्लेषित रेशा, टेस्टोल कैंसर रोधी दवा, जिंक फास्फेट, ये होगा रोडेंट नासी, नाइट्रोसेल्यूलोज विस्फोटक। ठीक है, बी ऑप्शन है 88 का। 89 निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेप्थलीन अथवा सूक्ष्म वायु, इस परिघटना को कहते हैं? तो याद रखना 89 का होगा ये ऑप्शन ऊर्ध्वपातन। फिर 90 प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो याद रखिए ये ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 93 एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 91 का है सी ऑप्शन, ए बी दोनों। बेजैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 मानव दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु निम्न इनमें से निम्नलिखित का अभाव होता है? तो याद रखिए 92 का होगा लोन। 93 निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषित के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो याद रखना 93 का होगा बी। 93 का क्या होगा बी, 4 केवलार, फिर फुलेरिन, फिर ग्रेफीन और फिर
ब्लैक गोल्ड 64 सॉरी 94। बिब्लियोमेट्री है तो याद रखना 94 का होगा, सूचना प्रबंधन उपकरण, ठीक है 94 सी है। 95 निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, तो याद रखना 95 का डी होगा, वापसी की शक्ति। 96 गहरी कार्बन वेधशाला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखिए 96 में सी होगा, ए बी एक दो दोनों सही है। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए। 97 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो याद रखना 97 का होगा डी, प्रोटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं, ठीक है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत। 98 क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए दो कथन जिसमें कथन ए है और कारण आर। कथन ए है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, तो याद रखिए 98 का होगा ए, ए बी दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। 99 पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा याद रखना घटती है, ठीक। 60 99 का है बी। 100 निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो याद रखना 100 का होगा डी, नीला हरा शैवाल। फिर 101 बार, धुआं स्मोग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखना 101 का होगा, 101 का होगा डी ऑप्शन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, 101 का डी है, ठीक है। फिर 102 निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना प्रदूषण क्षेत्र नियंत्रण के लिए, डी ऑप्शन है 102 का। 100 101 100 का है नीला हरा शैवाल, याद रखिए 100 का है डी, ठीक है। फिर 101 का है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, 101 का है डी। फिर निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, कि याद रखिए इसमें हमारा 102 में पर्यावरण संरक्षण, बी ऑप्शन सही है, ठीक है 102 का बी है, 102 का बी है याद रखना। 103 श्याम वीवर होता है, तो याद रखना सिमटा गहरा तारा, 103 का डी। 104 भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, पश्चिमी घाट, 104 का सी। 105 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो याद रखना सी ऑप्शन, नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। बात करते हैं 106 वां क्वेश्चन, लघु उद्योग के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए, तो याद रखना 106 का होगा सी ऑप्शन, कार्वे समिति, फिर उसके बाद आबिद हुसैन समिति, फिर नायक समिति, फिर SS कोहली समिति, ठीक। 106 का सी है। 107 सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष, तो यह 107 का होगा सी। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना तो याद रखना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ठीक सी ऑप्शन 107 का है। 8 कथन ए और कारण आर। कथन ए है, हाल ही के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी दर में तेजी से गिरावट आई है, पारिवारिक आर है कारण आर, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण शिक्षित इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है, नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनना है, तो याद रखे 108 का होगा बी ऑप्शन, ए व आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है 108 का बी। 109 भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है,
क्योंकि 15 से 59 वर्ष की आयु जनसंख्या आप सापेक्षता अधिक है। 109 का होगा सी, 110। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? याद रखिए 110 का होगा ये ऑप्शन, SDG 6। ठीक है, फिर 11, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए 111 का होगा ये, क्लब ऑफ कॉम रोम, क्लब ऑफ रोम 111 का है ए। अब 112, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो याद रखना ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। 13, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 13 कम 13 में कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बनाया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना है। तो इसमें डी ऑप्शन होगा ना, तो ए ना ही बी, ना ही दो। ठीक है, 1, 2 दोनों गलत है। 13 का डी है। 14, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित की गई किया गया? तो याद रखना 14 का ये होगा मॉरिस, डी मॉरिस। 14 का, 114 का ए होगा 15। भारत का वैश्विक भू सूचकांक 2017 में क्या स्थान होगा? तो याद रखना 100। ठीक है, 100। ठीक है, 16, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ए वनस्पति प्रकार है और क्षेत्र। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 16 का, 116 का ए होगा। क्या होगा? मकवी, ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। थ्रम्बस, ये होगा 3 दक्षिण अफ्रीका। चैपरल, ये होगा कैलिफोर्निया। मेटोरेल, ये होगा चिली। 116 का ए है, 117, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये सूची 1 में देश दिए गए, सूची 2 में राजधानियां। तो याद रखिए 117 का भी ए होगा। क्या होगा? उज्बेकिस्तान, ताशकंद, तजाकिस्तान, दुशानबे, किर्गिस्तान, बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान, अस्वागत। ठीक, अस्वागत, अस्वागावात बात। ठीक है, अस्वागावात। 18, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में प्राकृतिक वनस्पति और दूसरी में क्षेत्र दिए गए हैं। तो याद रखिए 18 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय, बबूल, सहारा, बेओबाब, ये होगा सबाना, देवदार, ये होगा भूमध्य सागरीय। ठीक है, 18 का ए होगा। 19, सूची 1 को सूची 2 से सूची 1 में जनजाति दी गई है, इस प्रकार स्थान सम्मिलित कौन नहीं है इनमें देखना है। ठीक है, तो 19 का होगा हमारा डी, क्रीगीज, सूडान में नहीं है। ठीक है, पिग्मी कांगो बेसिन, अनगामी नागालैंड, एनू जापान, वो 119 का डी है। 120, कथन ए दिया गया, कारण आ, हिंद महासागर, कथन ए है, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। हिंद महासागर के निकट देशों को बहुउद्देशीय भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो याद रखना 20 का होगा बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। 21, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो याद रखिए 21 का होगा बी ऑप्शन, सतपुड़ा, फिर महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। ठीक है, 22 क्वेश्चन, 122, नीचे दिए गए कथन कारण, तो कथन ए है, कारण ए, कथन ए है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। आर है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। तो याद रखना 22 का होगा ए ऑप्शन, 122 का क्या होगा ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। फिर होगा 123 क्वेश्चन, 123,
मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो याद रखना सरोवरीय मैदान का। 123 का ए है। 124, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपना बरंस घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना 124 का होगा बी दामोदर। 124 बी। 25, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किससे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना डी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। 26, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखना 126 का होगा डी। 123, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टाने जीवाश्मीन है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जैव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले। 27, कथन ए कारण आर, कथन ए है अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के विचलन की को नियमित करने का प्रयास किया, कारण आर है शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, तो याद रखना 27 का होगा 127 का बी। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित योद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, तो 128 का होगा ए ऑप्शन। पहले होगा बिलग्राम का युद्ध, फिर होगा सरनाल का युद्ध, फिर होगा धर्मत का युद्ध, फिर जजाऊ का युद्ध। 128 का ए है। 129, हट युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखिए 129 का होगा सी, दोनों सही है। हट युग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता है, हट युग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया है। 30, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है, तो याद रखना 30 का होगा सी, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती है, ये गलत है, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था है, सियासत नामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। 131, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये पुस्तकें हुए और ये लेखक हैं इनके, ठीक है, 131 का होगा अपना सी। तबकाते नासरी मिनहाज उसराज चस जानी तारीख फिरोसाई शमसे सिराज अरेब अफीब, तुगलक नामा इब्न बतूता, ये गलत है, ठीक है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ये सही है। 131 का है सी। 132, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो याद रखना 132 का होगा बी 1872। 33 क्वेश्चन, सूची एक में आंदोलन दिए गए और सूची दो में भरस, तो 133 का होगा बी ऑप्शन। 133 का क्या होगा बी पावना हिम 1873 से 85, इका इका 1922, संथाल 1855-56 और ताना भगत 1914, ठीक है। 133 का क्या है बी। 134, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो याद रखना डी ऑप्शन होगा, सांप्रदायिक निर्णय 1933, ये गलत है, भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931। 134 का होगा 134 डी। 135, निम्न घटनाओं को कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, तो याद रखना 135 का होगा ये ऑप्शन 135 ए। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर है साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ठीक है, ये ऑप्शन 35 का है, ठीक है। 36, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, याद रखना 36 का होगा ए, लाल किले दिल्ली में। फिर है 37, कथन ए है और कारण आर, सॉरी कथन ए है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी, उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, कारण आर है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच विद्या का प्रखर समर्थक था,
जो संस्कृत भारती व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो याद रखिए 137 में बी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं, किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। 137 का क्या हुआ? बी। 138 राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में सही कथन चुनना है, तो याद रखिए डी ऑप्शन होगा, ना तो एक ना ही दो। राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित गलत है, राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया, ये भी गलत है। ठीक है, 38 का होगा डी। 39 किस वर्ष में अकाउंटिंग ऑफ ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया था? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, तो याद रखने 139 का होगा अपना सी ऑप्शन, 1976। 40 भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो याद रखना 40 का होगा महात्मा गांधी, ये ऑप्शन सही है। 139 का सी और 140 का ए, फिर हमारा कथन ए और कारण ए आर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग का शब्द को परिभाषित नहीं करता है। आर संविधान केवल भाषाई एवं आर्थिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो याद रखना 141 का बी ऑप्शन होगा। ए भी दोनों सही है, परंतु आर कथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता। 141 का बी। 142 भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 142 का होगा ए, केवल एक। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग होने की बात वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिली है, ये गलत है, एक ऑप्शन सही है। ठीक है, 43 निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखना 43 में होगा सी ऑप्शन। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये गलत है, दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची। ठीक है, 143 का सी है। 144 भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो याद रखिए 44 में होंगे सी। 29 144 सी। 45 प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिए 145 में सी होगा, इसमें 1977 में अस्तित्व में है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, गलत। ठीक है, केवल एक सही है, 145 का सी है। 146 भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होंगे? तो याद रखना 146 का ए है, त्रिपुरा। ठीक है, फिर बात करते हैं 147, निम्नांकित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो याद रखना 147 में होगा सी, विधि से टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश, बी कमांड, अधिकार अपेक्षा, बाय राइट अथॉरिटी। 48 धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो याद रखना है आपको 148 का होगा बी, अनुच्छेद 110। ठीक है, 149 सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है? तो याद रखना 49 का एक मोतिहारी आमलेखगंज। ठीक है, 150 यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए? 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, याद रखना यह होगा 150 का बाकू अजरबैजान। ठीक है, तो ये तो हमारे ये थे 150 क्वेश्चन, 150। ठीक है, जो हम लोगों ने देख लिए। ठीक है।